तो भाई आई एम श्योर मेरी इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि अगर इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो है जी किसी की चेहरे की मुस्कुराहट का एक छोटा सा हिस्सा बनना। और जब मुझे पता चला कि ट्रैवल ऐप इक्सिको का भी यही गोल है तो फिर क्या था, बस मैंने और इक्सिको ने मिलाया हाथ और हम पहुंच गए जी दिल्ली से द होली सिटी ऑफ इंडिया बनारस। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। दो बार ट्रेन में सफ़र करने के बाद तीसरी बार मम्मी ने मुझे बोला कि तू भैया रुक जा, मैं खुद ही बना के देती हूँ। तो क्या बना रहे हो आज फिर आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट में? आज मैंने तेरी फेवरेट आलू मेथी बनाई है। अरे क्या बात है। और साथ में लच्छेदार परांठे अजवाइन वाले। अरे बहुत ही बढ़िया। तो माई ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड थैंक यू वेरी मच टू माई मदर ऑफ कोर्स जिन्होंने मेरे लिए सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाया और अब हम इसको इन्जॉय करेंगे ट्रेन में। तो मिलते हैं आपको ट्रेन जर्नी में दिल्ली से बनारस। चलिए चलते हैं साथ में, आ जाओ मेरे साथ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका स्वाद ऑफिशियल पे। आज स्वाद ऑफिशियल और इक्सिको मिल के ट्रैवल कर रहे हैं जी दिल्ली से बनारस और हम जा रहे हैं जी तेजस एक्सप्रेस में जिसने रिप्लेस किया है वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसके अंदर जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो भाई इस वीडियो में खाना तो होगा ही होगा लेकिन साथ में हम कुछ सरप्राइज़ भी देने वाले हैं कुछ लोगों को और हिस्सा बनेंगे उनकी एक छोटी सी मुस्कुराहट का मैं और इक्सिको मिल के। भाई ऑफ कोर्स ट्रेन में तो ज़्यादा खाना मिलता है नहीं है और जो भी मिलता है वो प्री कुक फूड ही मिलता है। तो अंकल आंटी साथ में बैठे हुए थे और घर से एकदम बढ़िया आंटी चाय बना के लेके आई है तो हम ये वाली चाय एंजॉय कर रहे हैं आज आंटी के हाथ से और अपने घर से ब्रेकफास्ट भी लेके आए हैं, कचौड़ी लेके आए हैं और हमारे घर से भी हम अपना ब्रेकफास्ट लेके आए जो हम इनके साथ शेयर करेंगे। आपने देखा सुबह सुबह उठ के मम्मी ने बनाए थे हमारे लिए आलू मेथी और लच्छे पराठे, तो हम वो खाएँगे इनके साथ, चाय पियेंगे और थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पराठे लीजिए आंटी और सब साथ में मिलके खाएं तो जो खाने का मजा है ना वैसे भी वो दोगुना हो ही जाता है ना। आंटी को दीजिए, नहीं नहीं वैसे सब लेंगे ना। देखिए मेथी का पराठा, मेथी की सब्जी और साथ में पराठा तो हमारे पास है ही है और सोने पे सुहागा ये अचार है जो आंटी ने खुद डाला है घर पे, तो इसके साथ हम जो है वो अपनी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो खाएंगे। या थैंक यू, I've got my kachori. वाह वाह। तो भाई आलू मेथी तो वैसे ही मेरी फेवरेट है और आई थिंक इससे बढ़िया चीज़ मेरे लिए हो नहीं सकती थी कि घर से आई आलू मेथी की सब्ज़ी और आंटी लेके आई हमारे लिए मेथी के पराठे। देखिए ये सब ना चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है और ये सिर्फ आपको ट्रेन में ही मिलेगी, इसीलिए मेरे को ट्रेन की जर्नी बहुत ही अमेजिंग लगती है। और माँ के हाथ के आलू मेथी और माँ के हाथ के ही मेथी के पराठे, आई थिंक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंडिया में हैं और ब्रेकफास्ट कर चुके हैं या लंच कर चुके हैं, डिनर कर चुके हैं और उसके बाद मीठा ना खाएं। तो अंकल ने मिठाई का ये एक छोटा सा डब्बा खोल दिया हमारे, तो अंकल ये क्या है? पतीसा है, देसी का पतीसा है। ये देखो भैया एकदम बढ़िया पतीसा है। ये देखो भाई इक्सिको ऐप पे बड़े ही अमेजिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाता है, उसके बाद कितनी स्पीड पे आपकी जो ट्रेन है वो चल रही है वो आपको यहाँ दिखाता है, उसके बाद कितने स्टेशंस बीच में आएंगे वो आपको दिखाता है और कौन सा स्टेशन अगला आने वाला है वो भी आपको दिखाता है। और सबसे अच्छा फीचर जो मुझे इस ऐप में लगा वो ये कि यहाँ पे जैसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन है जो कि मेन स्टेशन है जहाँ पे गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकती है, उसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलार्म का मार्क है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अलार्म है ये देखिए स्टेशन अलार्म फॉर कानपुर सेंट्रल सेट,
तो आपका जो अलार्म है वो 2 मिनट पहले बजना शुरू हो जाता है, इंडिकेट कर देता है आपको कि जो आपका नेक्स्ट स्टेशन है वो 2 मिनट के अंदर आने वाला है। और अगर कोई डिले है ट्रेन टाइमिंग्स में तो वो भी यहाँ पे लिखा आता है। बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है, आई थिंक मेरा तो ये पसंदीदा फ़ीचर है। और अगर मैं बात करूँ इस ऐप की तो इक्सिगो से ही ट्रेन की टिकट बुक करानी चाहिए भैया, अगर इतने अमेजिंग फ़ीचर्स आपको मिलते हैं तो। ब्रह्मा जी कितने साल से काम कर रहे हैं ट्रेन ऑफिस वालों से ट्रेन में काम कर रहे हैं, हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आए हैं, कबूल कीजिए। तो जी हमने एक्सिगो की तरफ से इनको एक तोहफा दिया है जिसके अंदर कुछ गुडीज़ हैं इनके लिए, एंड आई एम श्योर ही लाइक इट। ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जी? कप नूडल्स है, उपमा है, पोहा है। क्या क्या मिलता है? उपमा, पोहा, कप नूडल्स। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट में मिलता है। और लंच में क्या क्या ऑप्शन है? राजमा चावल है, छोले चावल, कड़ी चावल, दाल चावल, हल्दीराम का है वो। अच्छा, ये सब प्री कुक्ड होता है? ये प्री कुक्ड। अच्छा, और ये चाय और कॉफी भी प्री कुक्ड होती है? सब इंस्टेंट टी है। अच्छा, तो ये चाय और कॉफी प्री कुक्ड है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं जी चाय, तो चाय की क्या प्राइस है? 15 रुपीज। और जी सो ऑफ कोर्स हमें फ्रेश चाय तो नहीं मिल सकती है ट्रेन के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे अभी कानपुर स्टेशन आ रहा है वहाँ पे उतर के अगर हमें कहीं फ्रेश चाय मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर हम ये जो यहाँ पे पैकेट वाली चाय है इसी से गुजारा करेंगे। चाय तो पीनी है ना भाई, तलब ही ऐसी है, क्या करें। अंडा बिरयानी, अंडा पराठा और छोले चावल, क्या प्राइस है बिरयानी का? बिरयानी 60 रुपये की है, और साथ में छोले चावल? छोले चावल 40। तो भाई हम 28 का और ये 60 का। तो भाई हमने यहाँ पे लिए एक अंडा और राइस और साथ में लिए छोले चावल, क्या प्राइस, कितने पैसे हो गए, कितने पैसे हो गए दोनों के? कम हुए ना, या 28 की 90 हो गए ना, लो 90 रुपये काटो। तो भाई मैंने यहाँ पे लिए छोले चावल और साथ में मैंने लिए है अंडा करी और राइस, और मैंने इसके टोटल दिए हैं 88 रुपीज़। तो आई थिंक बहुत बढ़िया डील है, अब देखेंगे ये खाना है कैसा। चलिए आइए, ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है कानपुर पे। तो भाई अगर आप ये तेजस एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस बात का कि अगर आप स्टेशन पे उतरते हैं तो ये जो ऑटोमेटिक डोर लॉक है ना ये एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद लॉक हो जाता है, क्योंकि मैं बड़े सारे यहाँ पे पैसेंजर्स को देख रहा हूँ कि जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, किसी को कोई उतरने से रह गया, कोई चढ़ने से रह गया। हाईली अवॉइडेबल, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो छोले हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं और अच्छे से पके हुए नहीं हैं, और जैसे कि मेरा अनुमान था कि ग्रेवी के अंदर अरारोट का इस्तेमाल है वैसा ही है, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, सो अवॉइड इफ़ यू कैन। अब एक बार मैं एग करी और ये वेज पुलाव जो है इसको भी ट्राई करता हूँ, और इसमें भी मुझे जो ग्रेवी है बिल्कुल थिक लग रही है। प्लीज़ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इसको अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक ये आपको अवॉइड ही करना चाहिए, तभी बेटर है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि जब आप जर्नी कर रहे हो तो आपका पेट थोड़ा गड़बड़ा जाए। सो भाई कैसे दिल्ली से लेके बनारस का जो सफ़र है वो गुजर गया पता ही नहीं चला अंकल के साथ आंटी के साथ गुफ्तगू करके। तो अंकल वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ आपके आगे, लेकिन एक छोटा सा तोहफा है एक्सिगो की तरफ से और मेरी तरफ से आप दोनों के लिए, तो प्लीज़ कबूल करिएगा। और जी सो हम अभी वाराणसी स्टेशन से बाहर निकले हैं और मुझे यहाँ पे एक ये बाबा दिखाई दिए हैं जो कि यहाँ पे एक चना चाट बेचते हैं और बिल्कुल एकदम फ्रेश स्प्राउट की चाट बनाते हैं, उस पर प्याज टमाटर नींबू बना के डालते हैं, और पिछले ना जाने कितने सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा लाल जी नाम है। लाल जी चाचा ये बताओ कब से काम कर रहे हो ये? हम 60 बरस हो गए। 60 बरस से यही काम कर रहे हो? यही स्टेशन के बाहर ही लगाते हैं? अरे क्या, हर दुआर साहब साहब गबड़ा गए लगाई चल रहे हैं। अच्छा, 20 बरस की उम्र रहा तब से करे थे। तो भाई मैं बहुत छोटा हूँ इनको कुछ देने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगा कि इनके कुछ दे पाऊँ, आज की दिन की जो भी इनकी दिहाड़ी है वो इनसे ले पाऊँ, और इनको बोलूँ कि घर जाके आराम कीजिए। चाचा ये रखिए, हाथ करिए आगे जेब में रखिए, और घर जाइए और आराम करिए आज, ठीक है? आज रेस्ट करिए और थोड़ा आराम करिए, क्योंकि मुझे पता है आपने बहुत टाइम से आराम नहीं किया। देखिए ये स्माइल है ना, ये स्माइल बस इसी के लिए हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, क्योंकि ये ना अनमोल है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि ट्रैवल ऐप एक्सिगो और स्वाद मिलकर कोशिश करेंगे कि हम लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट का एक छोटा सा हिस्सा बन पाए, तो बस फिर क्या था, हम पहुंच गए जी लक्ष्मी चाय वाला पे जो कि बनारस में है, और हमने यहाँ पे जो इनके ओनर है उनको कुछ पैसे दिए और हमने उन्हें कहा कि जितने लोग आपके पास आएंगे आप उन्हें चाय हमारी तरफ से पिलाएं। हम देखना चाहते थे लोगों के रिएक्शंस, देखना चाहते थे क्या हमारी ये छोटी सी पहल लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट का हिस्सा बन पाती है कि नहीं, और मैं आपको बताऊं क्या, हम सफल हुए।
आई थिंक किसी भी जर्नी का जो एंड है ना वो चाय से बेहतर हो ही नहीं सकता। और चाय के साथ अगर आपको ये मलाई टोस्ट मिल जाए, ऊपर से चीनी मिल जाए, साथ में अगर आपको व्हाइट बटर वाला टोस्ट मिल जाए, साथ में अगर आपको सजेरियन टोस्ट मिल जाए मक्खन वाला, और लक्ष्मी जी जिन्होंने इस दुकान की शुरुआत की थी आज से 60-61 साल पहले, उन्होंने इस ब्रेड को स्पेशली ऑर्डर में बनवाया था और आज 60 साल हो गए हैं वैसे ये ब्रेड चलती आ रही है। ऊपर से ढेर सारी मलाई डाली जाती है, कंजूसी बिल्कुल नहीं होती है, और ऊपर से डाली जाती है मिठास चीनी की। आइए इसको खाते हैं और आपको बताते हैं। मैं हर हफ्ते बनारस आ सकता हूँ, ये इतनी ज़्यादा यम है। करारी करारी ब्रेड है, ऊपर से मलाई है और ऊपर से वो चीनी का क्रंच, एकदम परफेक्ट है। 60 रुपये इसकी कीमत है लेकिन टोटली वर्थ इट है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम अगली जर्नी में आपके लिए और भी बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। भाई अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में, एक चाय की चुस्की के साथ और साथ में एक बाइट ये मलाई टोस्ट के साथ। ये ज़रूर खा के जाइएगा, ठीक है।